नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सोनेरिका सुहानी। आज मैं मावा के गुलाब जामुन बनाने वाली हूँ, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो चलिए अभी हम बनाना शुरू करते हैं। पहले हम मावा बनाएंगे, जिसके लिए हमें 1.5 कप मिल्क पाउडर चाहिए। फिर हम उसमें 1 कप के लिए 1/2 कप मिल्क लेंगे और 1/2 कप मिल्क पाउडर के लिए 1/4 कप मिल्क लेंगे। फिर अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अभी ये अच्छे से मिक्स होने के बाद मैं इसको माइक्रो ओवन में डालने वाली हूँ, माइक्रोवेव मोड पे 6 से 7 मिनट के लिए। आप चाहो तो इसको कढ़ाई में भी बना सकते हो लो फ्लेम में। इसको बार बार चलाना है वरना नीचे से लग जाएगा। ये देखिए हमारा मावा रेडी हो गया है। इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा मावा ठंडा होने के बाद हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, एक सॉफ्ट आटा का डो जैसे बना लेंगे। अभी हम इसमें 1/4 कप मैदा ऐड करेंगे। फिर हम 1 TSP बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। फिर 1 TSP पाउडर शुगर ऐड करेंगे। इसको अभी हम अच्छे से हाथ में मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। थोड़ा पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदना है। थोड़ा सा सॉफ्ट डो बनाने के लिए जितना पानी ज़रूरत है उतना ही आप डालिए। ये हमारा सॉफ्ट डो रेडी हो गया है। इसको अभी हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसको निकाल देंगे। ये देखिए ये डो और भी सॉफ्ट हो गया है। अभी हम इसको रोल कर लेंगे। फिर इसका छोटा छोटा टुकड़ा करके हाथ में प्रेस करके इसको बॉल बना लेंगे। आप अपने मर्जी से छोटा या बड़ा साइज, आप जो भी आपको पसंद है आप बना सकते हैं। सारे बॉल्स बना लिए हैं। अभी हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी बना लेते हैं, जिसके लिए हमें 1 कप शुगर चाहिए और 1.5 कप पानी चाहिए। ये चाशनी एकदम गाढ़ा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, ताकि गुलाब जामुन के अंदर तक चाशनी अच्छे से सोकिंग करें। अभी हम थोड़े से इलायची डाल लेते हैं उसके फ्लेवर के लिए। अभी हम इसे हाई फ्लेम में बॉईल कर लेंगे। इसका कंसिस्टेंसी ऐसा रहना चाहिए, बस थोड़ा सा चिपचिपा रहना चाहिए। ऑयल को अच्छे से गरम करने के बाद उसमें 1-1 करके बॉल्स डाल देंगे। बॉल्स को डालने के बाद फ्लेम को एकदम लो कर लें, क्योंकि ये धीरे धीरे पकेगा वरना अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसको बार बार पलटते रहें वरना नीचे से लग जाएगा। ये देखिए कलर कितना बढ़िया आ गया है। इसको और अभी थोड़ी देर के लिए हम फ्राई करेंगे। ये देखिए अभी इसका परफेक्ट कलर आ गया है। इसको अभी हम निकाल के डायरेक्ट चाशनी में डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है।
चाशनी गुलाब जामुन के अंदर तक जाए। अभी बाकी के सारे बॉल्स हम डीप फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हमारा गुलाब जामुन रेडी हो गया है। अभी हम इसे फ्रीज में रख लेंगे, ठंडा ठंडा खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। मैं एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट बना है, इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया बना है। आप इसको घर में एक बार पक्का ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। अगर आपको मेरा गुलाब जामुन का रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।